चलो जैसे तैसे अभी पहुंच गया जेसीबी के पास में। इतना रंगखंग से आया तो जेसीबी का ये डिफरेंशियल खोल के रखा था दोस्तों। इसका गिया था ये है ये क्रॉस पिनियन बाइबल का सेट, ये बना के लेके आया लेट मशीन में। और ये नया ले लिया डीलर का सेट। तो ये दो मिस्त्री खोल रहा है डिफेंसल को, लगा हुआ है राउंड बोल्ट खोलने के लिए। ब्रेक डिस्क भी चेंज करना है, ये लाया है ब्रेक डिस्क सेट, इसको लगाना है। अभी मैं इसको खोल रहा था, इसका ऑयल सील लीक है। ये जो है यहाँ का ऑयल सील लीक है, इसका वजह से ऑयल कमती होता है। तो इसको खोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये बेरिंग बहुत जाम है दोस्तों। अभी फ़िलहाल मैं इस जेसीबी का डिफेंसल से परेशान हो गया। देखो तीन दिन से ये जगह में ये गाड़ी खड़ा है, ये जंगल में, ये पुंगलो बस्ती बोल रहा है, पुंगलो विलेज। तीन दिन से ये यहीं पे खड़ा है, फिर भी कुछ सामान तो हराया नहीं। ठीक है, ये बस्ती का आदमी लोग ठीक है, इसलिए सामान के लिए कोई टेंशन नहीं है। गाड़ी जहाँ भी रहने से भी पुंगलो एरिया में। तो अभी मेरे को इसी से बहुत तकलीफ़ दे रही है खोलने के लिए, मैं कैसे खोलूँ। अभी मेरे पास हथौड़ा भी बहुत बड़ा 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 है, इसीलिए खोल नहीं पा रहा है, मार मार के मैं थक गया। वो लोग वो राउंड बोल्ट खोल खोल के थक गया। देखो अभी मैं थोड़ा काम करूँगा, तो आप लोग देखते रहे ना मेरा ब्लॉग। अभी मैं थोड़ा मारते रहूँगा, हाँ इस तरह से मारते हैं। देखो ये हथौड़ा है, इसको मैं यहाँ लगा दूँ और इससे मैं इसको मारूँ। ऐसा मारता है फिर भी नहीं निकल रहा है। देखा है हथौड़ा गिर गया, मेरे को परेशान कर दिया इसने। देखो अगर इसको नहीं लगाया फिर तो ऑयल लीक हो जाएगा, फिर वही बीमार। ऑयल कमती होने से फिर क्या क्या जाएगा, क्राउन का पिनियन जाएगा है?